हेलो एसएससी लर्नर्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अभी आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जो अभी आपने स्टेम के और बाकी और डोमेन्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो वो किस तरीके से हैं, और मतलब इसमें बताऊंगा कि रिज़ल्ट कब आएगा और कब आने की संभावना है रिज़ल्ट की। ठीक है, तो ये है वेबसाइट, आपको ये दिख रही होगी, ये पूरी वेबसाइट है ये इसकी। ठीक है, आप इसमें आराम से इसको इसके बारे में बताऊँगा कहाँ पर और कैसे आपको रिज़ल्ट देखना है। एक्चुअली जो सही बात करी जाए तो देखो, यहाँ पर अगर आपको पता लगाना है कि आपका रिज़ल्ट कब आया है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये जो ये लॉगिन दिखाई दे रहा है आपको, ये इस लॉगिन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये वेबसाइट, ये कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, ये वाला, ये जो हैगा पेज, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेज। इसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि ये एडमिट कार्ड लिखा है, एडमिट कार्ड फॉर एसओएससीज एडमिशन टेस्ट। अभी ये क्या है, यहाँ पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड लिखा हुआ है तो अभी तो एडमिट कार्ड है। जैसे ही यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा ना, तो यहाँ पर रिज़ल्ट लिखा हुआ आ जाएगा न्यू में, तो आप यहाँ से लॉग इन करके अपनी जो भी आईडी है आपकी, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा। एक्चुअली सबसे पहले तो आपके पास जो रिज़ल्ट है आपका, अगर जो सिलेक्शन हो गया होगा, तो आपके पास क्या होगा, मैसेज में आ जाएगा या आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नंबर रजिस्टर करवा रखा होगा आपने नंबर, उसी मोबाइल नंबर पर आपका आ जाएगा मैसेज। ठीक है, मैसेज आ जाएगा तो आप इसको आराम से उस पर भी देख सकते हैं, और अगर आपको चेक करना है रिसेंटली, इस पर चेक करेंगे, लेकिन अभी अपडेट नहीं आएगी। जैसे ही यहाँ पर अपडेट आ जाएगी ना, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि रिज़ल्ट, अब यहाँ एडमिट कार्ड है तो यहाँ रिज़ल्ट लिख जाएगा, तो आप उससे अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। एक्चुअली देखो, लेट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हमारे जो मनीष सिसोदिया जी हैं, वो क्या है, वो अभी थोड़ा अरेस्टेड हैं, तो इसमें थोड़ा बताया गया है कि अभी वो थोड़ा अरेस्टेड हैं, तो इसी वजह से कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है। कि ये हमारे मनीष सिसोदिया हैं, आप जानते होंगे इनको, है ना, थोड़ा ये अरेस्टेड हैं अभी पुलिस कस्टडी में, तो पता नहीं क्या किया होगा इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 8th के, तो आप उन्हें अच्छे से फेस करो। ठीक है, और 9th की बुक अभी मत खरीदना, जो भी आपकी 9th की बुक होगी, जैसे NCERT खरीदते हैं ना, तो अभी मत खरीदना, वो बाद में ख़रीद लेना एग्ज़ाम के बाद, जब इसका रिज़ल्ट आ जाए। जिसका सिलेक्शन हो जाए वो तो बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, लड्डू वड्डू बटवा देना। ठीक है, और बाकी अपना तैयारी पूरी रखो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट की टेंशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने अपना 100% दिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद आपका रिज़ल्ट जैसे ही आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका रिज़ल्ट आएगा तो देखना आपका क्या आएगा, क्या सिलेक्शन होता है, किस में सिलेक्शन होता है, और मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका किस में सिलेक्शन हुआ है, हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे और आपका इंटरव्यू भी लेंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके नेक्स्ट स्टेप है, राउंड 2 है, वो भी आपको बता दिए जाएंगे जैसे ही वो डिक्लेयर होंगे। ठीक है, पहले रिज़ल्ट आने दो, थोड़ा सब्र रखो, और सब्र का फल मीठा ही होता है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और फटाफट अपना एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।